top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. महोदय से और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से कि मैं अनशन कर रहा हूं, मैंने देश के लिए कुछ मांग रखी है कि इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी दी जाए और वो विदेश यात्राओं की जानकारी कितनी आवश्यक है वो आज के खुलासे से पता लग जाएगा। इस अनशन को जबरदस्ती ना खुलवाया जाए, ये मैं देश के गृहमंत्री महोदय से, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया पुलिस ने पिछले इतने दिनों से, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये खुलासा शुरू करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं भगवान जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना, इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना और इसके साथ साथ इसमें ये बात कि इन सब में रखने जा रहा हूँ, इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे CBI में FIR दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया को दी जाएगी, पेन ड्राइव में हमने सारे डेटा को सेव किया है, इसके बाद इसको ईमेल भी आपको करेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे देश को एक एक तथ्य और एक एक जानकारी, देश को कैसे धोखा दिया गया इसकी दी जाएगी। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन मैंने सामने रखे जिन पर छापे पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के ऊपर भी जांच शुरू हो रही है। उसके अलावा कई और मामले सामने आए, जैसे पंजाब का मामला जिस पर गुरप्रीत गुग्गी जी ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला, उसके कुछ लोगों ने जानकारी दी अधिकारियों ने आकर, उसके तथ्य इकट्ठे करवा रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने आएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितना बड़ा एक स्कैम दिल्ली के अंदर चलाया गया। मैं आपके सामने परिचय देना चाहता हूँ, नील बैठे हैं, ये नील है जिन्होंने ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैक मनी और पैसे की गड़बड़ों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं। जब मैं अनशन कर रहा था तो ये मेरे पास आए, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए और इसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई और हम लोगों ने उसके बाद जो कुछ और चीजों को जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था और ये तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उससे जो सच आज सामने आया है वो देश के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू नील का। ये प्रेजेंटेशन है पूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे उसका एक एक पेपर यहाँ पर है, कोई भी ऐसा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। हर एक तथ्य का एक एक पेपर यहाँ पर है जो CBI को, मीडिया को, सबको दिया जाएगा। पहले मैं आप लोगों ने भारी बहुमत देकर आम आदमी पार्टी को जिताया था, मैं तो उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए थे, आप ही लोगों ने पैसा दिया था, आप ही लोगों ने वोट दिए थे। हमने किसी भी आदमी से चोरी छुपे किसी बड़े आदमी से कोई पैसा नहीं लिया, जो पैसा लिया सारा वेबसाइट पे डाल दिया। अगर किसी से गलत पैसा लेते तो सरकार बनने के बाद उसका एहसान चुकाना पड़ता है। हमने किसी से गलत पैसा नहीं लिया, सब कुछ हमने वेबसाइट पे डाल दिया। आपसे पैसा लिया, अगर किसी का आज हमारे ऊपर एहसान है तो वो आप लोगों का है, आपसे पैसा लिया और आपका एहसान हम पूरा करें। अब सरकार बनने के बाद जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ था पार्टी के पास वो खत्म हो गया, अब हमें पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, आगे डे टू डे खर्चों के लिए भी पैसा चाहिए। आपका ये लगे राज्य मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बना दिया फिर भी पैसा मांगता, ये तो फर्क है। अगर आज हमें गलत तरीके से पैसा कमाना होता मैं कितने पैसे कमा लिया, मुझे क्या जरूरत थी आज आपसे अपील करने की, लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने। इसीलिए हम इतना ज्यादा बजट शिक्षा पे खर्च कर पा रहे हैं, हेल्थ पे खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब हमें अपनी पार्टी चलाने के लिए भी चलना चाहिए, आप ही लोगों से चलना चाहिए। जब 10 रुपये दीजिएगा
लेकिन चिंता कीजिएगा जी, क्योंकि आपके इस 10 रुपए की वजह से ये हम ईमानदार राजनीति जो करने आए हैं वो कर पाएंगे। इसलिए सब लोगों से अपील है कि आम आदमी पार्टी को चंदा दीजिएगा, और कुमार विश्वास हमारे एनआरआई की और पीएम के इंचार्ज हैं, और सब लोग उससे संपर्क करेंगे। 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9,42,25,475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पर डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पर डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पर डाला गया 19,82,32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को ये बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चा मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले की वेबसाइट पर उनका नाम, नंबर और रिसीट नंबर, और जनवरी 20, 2014, 12 बजे, अगली स्लाइड, जनवरी 20, 2014, 12 बजे रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाले हैं, इसको हवाला का काम बोलते हैं, एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं, और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। और जो फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है, और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा, इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में, यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी, जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। नेक्स्ट, अब ये इन कंपनियों का नेक्सस आप देखिए, ये चारों कंपनियां जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दिया, उनके डायरेक्टरों के नाम वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये इसके डिटेल अभी नील आपको समझाएंगे। इसमें एक नाम ध्यान देने वाला है, जितेंद्र शर्मा, जिसका डिन यहाँ पे दिया। और दूसरी बात है, जब हमने खुलासा किया था ये 2 करोड़ के ऊपर, तो इनकम टैक्स ने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना पता लगा ना पता करने पाया कि ये पैसा आया कहां से, और अरविंद ने बोला था कि ये पैसा आया हमको नहीं पता, हमने मांगा किसी ने डाल दिया मेरा खाता में, लेकिन आज कपिल जी और हम ये दिखाएगा कि ये पैसा किसकी कंपनी से और कौन कौन विधायक के साथ मिला हुआ है। ये है शिवचरण गोयल, इनका ये एफिडेविट है, अगली स्लाइड में आइए। ये उनकी कंपनियां हैं, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगले में आइए, उनकी वाइफ के शेयर और उसके डिटेल अभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आइए, वो उनके डिटेल्स हैं, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ कालाधन नहीं कर रहा था, इसने अपना एफिडेविट में एज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल लोहा भंडारी में इसने एफिडेविट में इसने दिखाया था 15,14,000 रुपीज का शेयर है, लेकिन जब हमने इसका फोरेंसिक किया, और अभी यह केवल जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसकी सिर्फ शुरुआत है, आने वाली स्लाइड में जो है उससे ऐसा लगेगा आपको कि आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, जमीन खिसक जाएगी पैरों की। आगे चलिए सर, ये दीपक अग्रवाल है इनोवेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ये प्रियंका टैक्स है, ये शिवचरण गोयल की कंपनी है सारी, सनवेलन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश झा, ये राकेश झा जो शिवचरण गोयल की कंपनी का डायरेक्टर है, ये ही उन कंपनियों का भी डायरेक्टर रहा है जो फर्जी कंपनी आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी, उसका पूरा नेक्सस यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट, सुषमा इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट केयर, इसका नाम चेंज, पहले केयरवेल था, बाद में नाम चेंज करके सुषमा इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट, ये जो आदमी है हेमंत कुमार, ये हेमंत कुमार शिवचरण गोयल की कंपनियों में भी है, और ये हेमंत कुमार उन फर्जी कंपनियों में भी है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। दूसरी बात है, हेमंत कुमार हमारे अगले खुलासा में होगा कुछ दिन के बाद, हेमंत कुमार गली नंबर जो आया था 113, ये कितने बड़े स्कैम कर रहा है, ये इसका भी ये नाम आएगा। नेक्स्ट डिटेल,
पवन सिद्ध मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये जो दीपक अग्रवाल है, शैलेश कुमार द्विवेदी है, ये दोनों आदमी उन सारी फर्जी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर थे और पैसा लगा रहे थे जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को रात को चंदा दे रही थी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये एक सुशील कुमार गुप्ता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए एमएलए का उनका एफिडेविट है, जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को आया। आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूं कि राघव चड्ढा कहां गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आशीष खेतान कहां गए, दुर्गेश पाठक कहां गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है। दिया उसका ब्लैंक चेक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था, जो यहाँ पे आया है, इसमें कोई डेट नहीं, कोई नाम नहीं, जब मर्जी डाल लो। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पैसा तो चेक से आ रहा है, ब्लैक मनी कैसे आएगी, फर्जी कंपनी फर्जी चेक, और वो पैसा डाल रही है फर्जी सारे लोग। नेक्स्ट, इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं, यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवालाकार काले। और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भोंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसम खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा, कसम खा के बैठा हूं कपिल मिश्रा हूं मैं, कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा, कसम खा के बैठा हूं तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की जय।